नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे से चैनल DSR जोन में। मित्रों, आज हम आपको एक माचिस की तीली से, मित्रों मात्र माचिस की तीली से होने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ताकतवर उपाय बताएंगे। जो उपाय क्या करेगा, आपका जो भी शत्रु है, जो भी दुश्मन है, उसको मित्रों इस हद तक बर्बाद कर देगा कि उसकी आगे की पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। मित्रों, कितनी भी कोशिशें, कितने भी प्रयत्न वो कर ले, कभी जीवन में संभल नहीं पाएगा। इतना असरदार, इतना ताकतवर यह उपाय है। अचूक उपाय है, वापस लौट कर नहीं आता, इसका कोई तोड़ नहीं है। मित्रों, जितना यह सरल है उतना ही ज़्यादा तेज प्रभाव करता है और खतरनाक टूट का है। मित्रों, बहुत ही शक्तिशाली उपायों में से एक ये उपाय है। बहुत सरल उपाय है, मात्र एक रात आपने अपने जूते में एक माचिस की तीली को अभिमंत्रित करके रख देना है। क्रिया कैसे करनी है, विधि कैसे करनी है, मित्रों बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसे सुने समझें। वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें ताकि आप उपाय में कोई भी गलती ना करें, कोई भी उपाय में चूक ना हो। मित्रों, बड़ा ही सरल उपाय है, करते समय विश्वास अपना पूरा बनाएं और यकीन के साथ आप इसे करें बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर। क्या करना है मित्रों, आपने मंगलवार, बुधवार, शनिवार, रविवार, चार दिन में से एक दिन आप इसे कर सकते हैं। क्या करना है, अपने हाथ मुंह पैर अच्छे से धोएं, एक आसन लगाएं, कोई कपड़ा बिछा लें, उस पर बैठ जाएं। वहां पर आपने जूता नहीं रखना मित्रों, जूता आपका जहां आप रखते हैं वहीं रहेगा, आपने जूते को नहीं छूना है। आपने एक माचिस की तीली लेनी है और माचिस की डिब्बी लेकर बैठें, और जब बैठें दोनों चीज अलग अलग हों। जो माचिस की डिब्बी आप हाथ में लेंगे, माचिस की तीली जलाने के लिए मित्रों, वो बिल्कुल खाली होगी। वो तीली भी आप जो इस्तेमाल करेंगे इस क्रिया में, उसको आप उस माचिस की डिब्बी से पहले अलग रख लें निकाल के। बाकी जितनी माचिस की तीलियां उस डिब्बी में हों उनको आप हटा दें, उनसे आपका कोई मतलब नहीं है। क्रिया होने के बाद उसे आप वापस डिब्बी में डाल सकते हैं, परंतु अभी आपने क्या करना है मित्रों, डिब्बी और एक माचिस की तीली लेकर बैठे, और अब आपने मित्रों वो जो माचिस की तीली है उसे जलाना है। जलाने के बाद मात्र एक बार अपने शत्रु का नाम लेना है, और जलाने जब जल जाए मित्रों तीली, आप उसका नाम लें, मुख्य नाम, प्रमुख नाम, एक बार, और फूंक मार के उस तीली को बुझा दें। मित्रों, फूंक मार कर ही बुझाएं, हाथ से ना बुझाएं, ध्यान रहे, और एक बार की फूंक में ही बुझ जानी चाहिए। मित्र, आपकी तीली आधी जल गई। अब आपने वो तीली हल्का सा ठंडा होने दें, अपने बाएं हाथ में रख लें और दाएं हाथ से उसको ढक दें, ढक दें ऊपर से ढक्कन की तरह, और बोलें एक मंत्र उस तीली को अभिमंत्रित करने के लिए। मंत्र बड़ा सरल है मित्रों, याद करके बोलें, आंख बंद करके बोलें। मंत्र क्या है, ओम हीम छिन्न शत्रु विनाशाय फट स्वाहा, ओम हीम छिन्न शत्रु विनाशाय फट स्वाहा। मित्रों, शत्रु के स्थान पर आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है जो आपने उस समय लिया जब आपने तीली जलाई। ये मंत्र आपने मित्रों 21 बार बोलना है, आंखें बंद करके एकाग्रचित होकर, तीली को हाथ से ढककर। अब आप हाथ हटाएं, आंखें खोलें, तीली उठाएं, वहां जाएं जहां आपका जूता रखा है। मित्रों, ध्यान रहे जूता छूना नहीं है, और बाएं पैर का जूता हो। अब आपने अपने उस जूते के ऊपर उस तीली को 7 बार घुमाना है, बिना हाथ लगाए ऊपर घुमा दें उसके चारों ओर 7 बार, 7 बार गोल गोल घुमा दें, और उसके बाद उस तीली को छोड़ दें उस जूते के अंदर, अंदर की तरफ बिल्कुल छुपा के रख दें, आगे की तरफ जूते में डाल दें।
बस मित्रों, अगली सुबह आप वो तीली उठाएं और घर से बाहर जाकर, घर के बाहर निकलकर आप उसे दक्षिण दिशा की तरफ उछाल दें, फेंक दें। वापस घर के भीतर आएं, अपने हाथ मुंह पैर अच्छे से धो लें। नहीं तो एक बात ध्यान रखें, सुबह सुबह आपने सबसे पहले उठने के बाद यही कार्य करना है और कुछ नहीं करना। मुंह हाथ भी ना धोएं और वॉशरूम आदि भी ना जाएं। बस मित्रों, ये आपने कार्य कर लिया, आपका यह कार्य हो गया। अब दें इजाजत मित्रों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक बहुत ही सरल परंतु शक्तिशाली उपाय के साथ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।